भीमा आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने रेशमबाग मैदान पर हजारों की तादाद के सामने भाजपा और आरएसएस को ललकारा, केंद्र सरकार अपनी ओछी राजनीति न करे, यह सलाह भी दी। इस मौके पर हजारों लोग शामिल थे। आए दिन देश में, राज्य में और शहरों में एनपीआर, एनआरसी और सीए का मुद्दा काफी गर्माया गया है। कहीं इस विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वही इस मामले को लेकर सहमति जता रहे हैं। रेशमबाग मैदान पर आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सभा में हुंकार भरते हुए एनपीआर, सीए, एनआरसी और आरक्षण संविधान पर भाषण दौरान सभा को संबोधित किया। ये तिरंगा हमारी जान है और हम किसी को इजाजत नहीं देते कि वो इस तिरंगे का अपमान करे। ये तिरंगा सब जगह फैलेगा, कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी मुल्क में जहां तिरंगा ना फैले। ये याद रखना चाहिए सब लोगों को। तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, साहूजी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, ये जो नाम मैंने लिए हैं, डॉक्टर फरीदी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ये वो लोग हैं। ये तस्वीर है भारत की, जो हमेशा मानवता, प्रेम, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पे काम किया गया जिनके द्वारा, और इसी का परिणाम है कि आज भी इस मुल्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क माना जाता है। अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस मुल्क में रहने वाले हर व्यक्ति की है। हम तथागत बुद्ध के वंशज हैं, हम प्यार, भाईचारा और हमारा धर्म है मानवता। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। पहले भी कितनी बार तरह तरह के हमले हुए देश पर और कितने ताकतवर लोग आए अंग्रेज, उनको लगा कि वो इस मुल्क को तोड़ देंगे, राज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इस मुल्क के मेरे प्यारे भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने इस मुल्क को बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया, तो उनको भी जाना पड़ा। जो ये कहते थे कि हम इस मुल्क पे राज करेंगे, परेशानियां कुछ दिन की होती हैं, आज भी परेशानियां हैं, मगर सलाम करता हूं आप सब लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। सलाम करता हूं तमाम बहनों को, उन भाइयों को जिन्होंने पिछले 2 महीने से सड़क का रास्ता इख्तियार किया है और बताया कि आंदोलन किसे कहते हैं। रेशमबाग मैदान पर पहली बार आर्मी चीफ को सुनने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने कई पहलुओं पर बात की और रेशमबाग का ये वही मैदान है, आप देख सकते हैं, ये वही मंच है जिस मंच से उन्होंने तबदार भाषण किया है, बखूबी के साथ भाषण किया, अलग अलग मुद्दों पे बात किया है, जैसे कि राष्ट्रीय एकात्मता है और संविधान को लेके, और जिस प्रकार से ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार की ओर से जो की जा रही है, एनपीआर है, सीए है, एनआरसी है, ऐसे कई तमाम मुद्दों के ऊपर में उन्होंने प्रकाश डाला है और ये बात की है कि जिसके चलते आज यहाँ हजारों की तादाद में पूरे भारतवर्ष से लोग आए थे, तकरीबन 10,000 के ऊपर में भी तो लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से एक हुंकार जो भरी है, उन्होंने ये भी कहा है कि कल पूरा भारत बंद रहेगा, ऐसा ऐलान भी उन्होंने किया है। और आज के इस सभा में, जनसभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और ऐसे तमाम जाति धर्म नागपुर के रेशमबाग में चंद्रशेखर आजाद ने जिस प्रकार से सभा को जो हुंकार भरी और जो एक ताकत दी है, जो बल दिया है, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस बल का कितना फायदा इन लोगों को होने जा रहा है। क्या इस सभा से एनपीआर,
इस सभा से CAA या इस सभा से NRC का मामला जो है उसमें कुछ हल निकल भी जाएगा या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि NPR, CAA और NRC के तहत देश में जिस प्रकार से ये जो माहौल, बिगड़ोल माहौल जो हुआ है, एक जो असमंजस की स्थिति बनी है, ये जल्द से जल्द काबू आ जाए और लोगों में फिर से एक बार भाईचारा, एकता बने रहे, यही शहर की जनता चाहती है। नागपुर के रेशमबाग मैदान से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज़ नागपुर। Jai Bhim!